हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं कुछ नया। ये करेले की खाली बोतलें हैं, बहुत सारी हो गई थी तो मैंने सोचा चलिए इसका कुछ करते हैं। पिछले मिनी व्लॉग में मैंने डाला था कि मैं इसका कुछ बनाने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें अभी रेड पेंट कर रही हूँ और ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ये डबल कोट किया है तब ऐसा कलर आया है। तो ये देखिए सभी सूख गई हैं बॉटलें, ढक्कनों में मैंने नहीं किया है कलर। और ये होल कर लिया ढक्कन में, और ये हैंगर है पुराना जो टूट गया था, तो हम इसकी जो क्लिप है वो निकाल लेंगे और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये ग्लिटर की शीट है, मतलब जो कैप है थोड़ा सा दिख रहा था तो मैंने उसको गोल कट करके उस पर लगा दिया है, और ढक्कन में मैं होल कर चुकी थी। और ये देखिए ये है वोलन जो मेरे पास पहले से रखा हुआ था, और ये जो कैप दिख रही है आपको गोल्डन कलर की, ये मैं एक बार लटकन लाई थी काफ़ी पहले, तो वो रखी हुई थी तो मैंने सोचा उसको ही मैं लगा देती हूँ। और ये मोती मैं मार्केट से ले आई थी, तो काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगा मार्केट में। बस इसी तरीके से मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, डोरी इसका डोरी रेडी कर लेती हूँ। आप जितना चाहे उतना मोती लगा सकते हैं, मेरे पास कम थे तो मैंने कम मोती यूज़ किए, मैंने गैप गैप में किए हैं। आप अगर आपको लगता है कि आपको पूरे में लगाना चाहिए तो आप पूरी डोरी को भी मोतियों से भर सकते हैं। मोतियों को लगाते वक्त तो बीच बीच में नॉट ज़रूर लगा देना, ताकि मोती नीचे ऊपर खसके ना, एक जगह सेट रहे। अब ये देखिए हम लोग बॉटल को डेकोरेट करेंगे। मैंने कुछ लेस ले करके आई थी मार्केट से, ये 10-10 रुपये मीटर मुझे मिल गई थी, इसे ही मैं कर रही हूँ। ये ग्लू हॉट ग्लू जो है बहुत बेकार क्वालिटी का है, शायद तो ना चिपक नहीं रहा है, जल्दी से निकल जा रहा है बार बार। तो ये देखिए बार बार मुझे लगाना पड़ रहा है। आप लें तो अच्छी क्वालिटी का लेकर आए मार्केट से। और एक ये वाली लेस लाई थी मैं, आप चाहे तो जिसमें गोटे लगे हुए रहते हैं ना, गोटे जो गोल गोल रहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ मैं ये गोल्डन लेस लगा रही हूँ। जल्दी चिपक भी नहीं रहा था, इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आते रहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलिए ठीक है, लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे और आगे बनाना चाहिए। अभी बीच बीच में हम लोग ये वाला जो लेस है, ये भी मैं 10 रुपये मीटर ही लाई थी मार्केट में, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से चिपक रहा है, बहुत मेहनत लगती है। छोटा सा ही वीडियो बनाना है 2 मिनट का भी, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये DIY आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमने सारी बॉटल रेडी कर ली है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, कोई बोल नहीं सकता है कि इसको हम एक्रेलिक की खाली बॉटलों से बना रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया, गोल्डन कलर का जो लेस था मैंने उसको इस पर सारा उसे कवर कर दी हूँ, तो ये अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं ये सारी जो बॉटल है इसको मैं टांग दूंगी।
आप जैसे चाहें उस तरीके से टांग सकते हैं। मैंने तो एक लाइन से जिगजैग भी नहीं किया है, खाली एक के बाद एक मैंने इसको लगाया। आप चाहे तो वी शेप में भी इसको बना सकते हैं, और बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि हम लोग इसे मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। तो ये देखिए, आपको मैं पूरा लुक दिखा देती हूँ कैसा है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा DIY आपको कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।